मनीष ग्रोवर विवाद थम गया है और पूर्व सहकारिता मंत्री ने जिन महिलाओं से माफ़ी मांगी उनका क्या कहना है, हम आपको वो सुनाते हैं जो वीडियो क्लिप हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे साझा की है। पहले वो क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सभी किसान भाई, मजदूर भाई, महिला को सभी को राम राम, हाथ जोड़ गए। देखिए, जो 10 तारीख वाला जो हिसार वाला जो मामला था, रोहतक के मनीष ग्रोवर की आपूर्ति का घेराव कर रखा था, उस बारे में आज आपस में दोनों तरफ से सहमति हो गई है। मनीष ग्रोवर ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, पैर पकड़ के माफ़ी मांगी है। हमारी तरफ से, पंचायत की तरफ से ये अनुरोध है, जो 19 तारीख का अपना यहाँ महिला न्याय पंचायत रखी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब ये पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है। सुबह ये अपने साथी जो जिन हिसार से आए हुए हैं, ये अपने अपने घर चले जाएंगे और दिल्ली जाएंगे और आंदोलन को मजबूत करेंगे। और सभी से ये एक दूसरे ने बताओ कि 19 तारीख ने अपना कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ रोहतक का, और ये अपनी ताई हैं जो वहाँ मौजूद थी मौके पर, जो गलती मानने की बात थी। यही हमारा एजेंडा था, यही हिसार वालों का एजेंडा था, कोई और कोई प्रकार का किसी प्रकार का भी नहीं था, खाली एक गलती मानने का और माफ़ी मांगने का था। भाई, हम 7 तारीख थे, मई 14 तारीख थे, तो हम इसी बात खाते रहे थे, माफ़ी मांग ले, हम माफ कर देंगे, हम कहीं से ऐसा दिलाड़े माफ़ी मांगेगा। तो भाई, हम 5 दिन तक इतने थे, इधर कोई खबर नहीं आई। आज उसने कहा तो माफ मेरे माफ कर दे, मैंने हम गए तुम्हारे पाँच हाथ में थी, इतना माफ़ी मांग ली, आज जोड़ के माफ़ कर दिए और दो बार कर दिए, दो बला दिए पाँच हाथ, भाई माफ कर दिया। हाँ जी, आप भी अंदर? हाँ, मैं बाहर थी भाई, लेकिन जो फोटो शूट हुआ था उसमें साथ खड़े थे, तो ताई हर के पा पकड़ के ने जो हद गलती मान ली है और संतुष्ट हैं हम सब। हाँ जी, अंदर क्या हुआ था? देखिए, आज ग्रोवर साहब ने हमारी जो महिलाएं हैं जो अक्यूज थी, जिनके सामने ये हरकत हुई थी, उनको बुलाया था और उनके पांव छू के उन्होंने अपॉलॉजी की है, माफ़ी मांगी है। और ये धरना जो अब चल रहा था, 5 दिन से जो कंटिन्यू धरना था, ये धरना अब समाप्ति की ओर है। सुबह ये धरना यहाँ से समाप्त हो जाएगा। और जो 19 तारीख की महापंचायत रखी गई थी, महिला न्याय महापंचायत, वो पंचायत अब नहीं होगी। हमारी ताई चाचियाँ संतुष्ट हैं कि उन्होंने हमारे पैर छू के माफ़ी मांगी है, तो उनकी संतुष्टि के साथ, और रोहतक वाली कमेटी ने जो शांतिपूर्ण निर्णय किया है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो फैसला लिया है, हम उस फैसले से सहमत हैं और अपनी सहमति उनके साथ जता रहे हैं। हाँ भाई, भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा कि जो बीजेपी का जो षड्यंत्र जो रचने का जो वो था ना, तात्पर्य है, वो जो है हमारी स्थानीय कमेटी को पता है, वो इस चीज़ को देखते हुए लगाओ। और जो है एक अहंकारी आदमी का जो अहंकार है ना, वो टूटे है आज। वो कई बार तो जाति पाति के झगड़े पैदा करने के चक्कर में मतलब थे, लेकिन ऐसे लोग जो है समाज के लिए खतरा है। इन लोगों को मतलब सबक जो है सिखाने के लिए जो हमारी चाची ताई आगे आई, हमारी महिला शक्ति आगे आई, और आज जो है मनीष ग्रोवर ने खुद मेरी आँखों के सामने हमारी महिलाओं के पाँव पकड़े हैं, माफ़ी मांगी है। और जो धरना मनीष ग्रोवर की कोठी का आगे 5 दिन से चल रहा, वो आज जो है रात के 12 बजे संपन्न हो गया है और कल सुबह यहाँ धरना नहीं होगा। और जो 19 तारीख को महिला न्याय पंचायत रखी गई थी, वो अभी नहीं होगी। हमारा जो मेन मकसद है, वो मछली की आँख की तरह हमारा जो है आंदोलन है, जो तीनों काले कानून है वो रद्द करवाने हैं और MSP पर पक्का कानून बनवाना है, ये हमारा मेन मकसद है। जय जवान, जय किसान। तो दोस्तों, आपका इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ। प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट प्रलमिताव यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।